मध्य प्रदेश में दीपावली के बाद मौसम ने करवट बदल ली है। हल्की ठंडी हवा के चलते अब सर्दी ने प्रदेश में दस्तक दे दी है, जिसका असर रायसेन जिले में भी देखने को मिला है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं मौसम बदलने के चलते बच्चों में वायरल फीवर भी हो रहे हैं, जिसे जिले में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा सर्दी खांसी जुकाम और बच्चों को निमोनिया भी देखने को मिल रहा है। शासकीय जिला अस्पताल सहित राजस्थान शहर के प्राइवेट क्लिनिक में भी मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल के ओपीडी में अन्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पहले जहां 600 के आसपास मरीज आ रहे थे, लेकिन दीपावली के बाद मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिला अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यशपाल वालियान के मुताबिक सर्दी खांसी जुकाम सिरदर्द बच्चों में निमोनिया से पीड़ित मरीज इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन देव में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी।